एसएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी का काम क्या है? नहीं आपको बर्खास्त करो, प्रशासन तो नीति है भाई, डबल इंजन की सरकार है ना, अब प्रशासन किसके है कंट्रोल में, यानी अपने ही किरदार पे वो लोग उंगली उठा रहे, तो कहीं ना कहीं से तो भाजपा की फेलियर। मानसून की स्थिति खराब है सर, बहुत क्या सुखाड़ की स्थिति पूरे बिहार में, हर जगह जो है सूखा, और जहाँ तक बाढ़ की बात है, कई क्षेत्रों में कोसी वगैरह में जो सीमांचल के इलाके हैं जहाँ नदियाँ हैं, जैसे महानदी नदी है वगैरह, वहाँ वाटर लेवल काफ़ी जो है हाई हुआ, क्योंकि रीज़न जो है नेपाल का पानी जो है आया है, इसके लिए हम लोग जो है सीमांचल के दौरे पर हम लोग निकलेंगे, तो उन क्षेत्रों में भी हम लोग पानी मेरी खतरनाक लोग को कहते हैं पूरा देश में जो है बोला जा रहा है, जो माहौल जो बना है देश का, जहाँ मुद्दे पे बात नहीं हो, इस तरह की चीज़ों की बातें होंगी, जो माहौल बना है, तो ये कहना कहीं से ये तो स्पष्ट हो ही गया। और जो एसएसपी साहब हैं जो बयान ले लिया, वो तो सब जाहिर है, हमने तो नहीं बोला था उनको बयान देने, हमारा कार्य क्षेत्र भी नहीं है। ये तो बेहतर ढंग से अगर एसएसपी अगर तुलना करते हैं तो ये गंभीर मसला, और इस चीज़ को लेकर तो अगर एसएसपी कह रहे हैं कि जो संगठन है आपका उस तरह का काम जो है आरएसएस करता है, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो बात है आर एस एस जो है ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं से खतरनाक है, तो कहीं ना कहीं से ये बात स्पष्ट हुई है। इस्तीफे को लेकर काफ़ी बवाल, क्या इंटेलिजेंस जो सरकार की है वो कहाँ, उस कार्यक्रम में आप भी थे, उसके बाद ही सामने बात आया। देखिए तो ये तो उनकी सरकार एक्टिविटी अगर बढ़ रही है दिशा में, किस तरह का बात कर सकते हैं या इंटेलिजेंस को और ऐसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, नहीं बाकी तो सरकार के लोग ही बताए, लेकिन महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर कि जिस तरह से अगर लोग पकड़े जा रहे हैं तो ये कितनी आसानी से अलर्ट हो जाते हैं, नहीं सोच पाते पकड़े जा सकते हैं, लोग डिपार्टमेंट के जितने भी शाखाएं पेशनेयूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।